हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम कंचन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका फाउंडेशन कभी काला नहीं होगा। आप शादी में जा रहे हो, उससे पहले इस ट्रिक को आप यूज़ कर लो जिससे आपका फाउंडेशन कभी काला नहीं होगा। कितना भी सस्ता फाउंडेशन आप यूज़ कर लो, जैसे आपने फाउंडेशन लगाया हो उसी तरह से वो फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते होंगे तो आपका फाउंडेशन थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज होता होगा, यानी कि काला होता होगा। आप कोई बड़े से इवेंट में जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तैयार होने में, फिर भी आपका फाउंडेशन कुछ देर के बाद काला हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज ये ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस ट्रिक को आप यूज़ करोगे तो आपका फाउंडेशन कभी भी काला नहीं होगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि कौन सी ट्रिक है जिससे आपका फाउंडेशन कभी काला नहीं होगा। आपका फाउंडेशन काला नहीं होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले स्टेप हमें करनी है स्क्रबिंग। मैं यहाँ पर एवरूत का एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंदीदा कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो। इससे हमें अच्छे से स्क्रब कर लेना है, इससे हमारे स्किन की सारी डेड स्किन निकल जाएगी और आपकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी इस फाउंडेशन लगाने के लिए। 1 मिनट तक आपको अच्छे से स्क्रब कर लेना है आपके फेस पे। बस अभी मैं इसको वॉश कर लूँगी। सिंपल पानी से मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और जो स्क्रब के पार्टिकल्स है वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। उसके बाद हमें अपने फेस को वॉश करना है अपने फेवरेट फेस वॉश से। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रूपमंत्र का लेमन एंड मिंट फेस वॉश, तो इससे मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, उसके बाद हमें यूज़ करना है कोई भी अच्छा सा टोनर। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी इसके बदले यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। इसके अब्जॉर्ब होने तक हमें वेट करना है और इसके बाद हमें यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रोजना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये ऑयली स्किन के लिए है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं ये न्यूट्रोजना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने हैंड पर ले लूँगी और अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। ये जो सारे स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो सारे स्टेप करना आपको नहीं भूलना है। फेस और नेक दोनों जगह पर आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। इस मॉइस्चराइज़र में आपको ड्राई स्किन के लिए भी मिल जाएगा, अगर आपको परचेस करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब होने तक वेट करना है और उसके बाद यूज़ करना है प्राइमर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर NYB का प्राइमर। ये प्राइमर ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्राइमर है। प्राइमर भी आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तो मैं थोड़ा सा प्राइमर लेके अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद हमें स्पंज को वेट करना है। मैं यहाँ पर स्पंज ले रही हूँ और पानी में डिप कर रही हूँ। पानी में डिप करने के बाद स्पंज की साइज आपकी बढ़ जाएगी, आप देख सकते हो। इसमें से सारा पानी आपको निचोड़ लेना है, फिर आपका स्पंज इस तरह से हो जाएगा सॉफ्ट और स्मूथ। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ऑलिविया का फाउंडेशन। ये आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल जाएगा और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप कितना भी सस्ता फाउंडेशन ले लो, इस स्टेप को करने के बाद आपका फाउंडेशन कभी काला नहीं पड़ेगा। पूरे फेस पे मैं अपने फाउंडेशन डॉट डॉट करके लगा लूँगी। नेक पर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना कभी नहीं भूलना है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और आपको फाउंडेशन ब्लेंड करने के टाइम इस तरह से उसको रब नहीं करना है, बस आपको डैब डैब करके ही फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। इस तरह से अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपका फाउंडेशन इवनली ब्लेंड भी हो जाएगा और जो भी आपकी फाउंडेशन से कंप्लेंट है वो आपकी कंप्लेंट कभी नहीं आएगी।
आप देख सकते हो मैंने अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इवनली मेरा फाउंडेशन ब्लेंड भी हो गया है। और उसके बाद आपको इसको सेट करना है। सेट करने के लिए आपको कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए कोई कॉम्पैक्ट का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है कोई लूज पाउडर। मैं यहाँ पर व्हाइट टोन पाउडर ले रही हूँ। आप कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो लैक्मे का रोज़ पाउडर आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पाउडर ले रही हूँ, इससे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका फेस ऑयली नहीं होगा और आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ करो और उसके बाद का जो रिजल्ट आएगा वो मुझसे शेयर करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे वहाँ पर भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। बस इसी तरह से आपको अपने फाउंडेशन को लूज पाउडर से सेट करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, उसको क्लिक कर देना। और उसके बाद में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि मैं आगे जो वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और उसको आप मिस नहीं करोगे। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।